हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीताज किचन। आज मैं एक हेल्दी रेसिपी के साथ फिर आपके सामने आई हूँ। मैं तुअर के दाल में तोरी डाल करके बना रही हूँ। तोरी का थोड़ा टेस्ट बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, खास करके बच्चे इसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इस केस में जनरली मदर्स का ये होता है कि बच्चों को ये सब्जियां कैसे खिलाएं ताकि उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बच्चों को मिल सके। तो इसका ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है दाल। दाल में आप तरह तरह की सब्जियां डाल करके बना सकते हैं और वो डिलीशियस भी होता है और सूप की तरह भी होता है। उसके सारे विटामिन्स मिनरल्स जो भी हैं सब उसमें मिल जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ तुअर का दाल। उसमें तोरी, प्याज, टमाटर वगैरह डाल करके अच्छा सा मसालेदार दाल होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत डिलीशियस होता है। इसको आप चाहे तो दाल के को चावल के साथ खा सकते हैं और नहीं तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट वेजिटेबल जैसा दाल है, दाल भी है सब्जी भी है। तो चलिए किचन में और बनाते हैं तोरी वाली तुअर की दाल। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स इन एडवांस। तो चलिए बनाते हैं तोरी इन तुअर की दाल। तुअर का दाल लिया है, इसको अच्छे से धो करके और इसे थोड़ी देर भीगने के लिए छोड़ दूंगी। दो मीडियम साइज़ तोरी काटा है, एक प्याज मीडियम साइज़, दो टमाटर और चार पांच लहसुन के पॉड्स और एक इंच अदरक, इसको भी कूट लेंगे। कुकर में एक टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, इसमें जीरा का तड़का लगाया है, थोड़ा कड़ी पत्ता, और जिंजर और गार्लिक को पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल करके इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर भी कटा हुआ मिला दिया, मिक्स करके इसे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। अब इसमें थोड़ा मिर्च स्वादानुसार, नमक, हल्दी, धनिया का पाउडर और थोड़ा गरम मसाला सारा कुछ डाल देंगे। अब इसमें कटी हुई तोरी भी डाल देंगे, डाल करके अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करेंगे और जो है वो भी डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डाल करके प्रेशर लगाएंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे, दाल में हिसाब से थोड़ा सारा डूब जाए अच्छी तरह से, सारी सब्जी और मसाला, इतना पानी डाल देंगे और इसे 4-5 सीटी इसकी लगा देंगे। मसाले को खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा, ताकि दाल जले नहीं, वो सारी सब्जी डूब जाए और उससे 1-2 अंगुल ऊपर रहे पानी बस। कुकर को बंद करके अब इसमें 4-5 सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद कुकर बंद कर देंगे।